चलो दोस्त, स्ट्रेट लाइन। देखिए सब लोग इसको समझिए, देखो कुछ वर्ड्स पहले एकदम समझो, एकदम बेसिक से। एक होता है रे, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट। सबका मतलब समझ में आता है आपको? लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एक होता है आपका क्या, लाइन सेगमेंट या रे। एक होता है लाइन सेगमेंट, तीन वर्ड है लाइन सेगमेंट। एकदम ग्राउंड से बता रहे हैं आपको, चीजें हैं क्या, समझना। ठीक है दोस्त, चलिए तो सबसे पहले बताइए लाइन क्या होता है। व्हाट इज लाइन? लाइन का मतलब क्या है? उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, या इन शॉर्ट ऐसे समझो आप, एक ऐसा आपने कोई पिक्चर ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन से, या सही ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ कर लिया है, जिनका कोई न क्या है ना, कोई इसका लीडिंग या कोई इनिशिएटिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, ना ही कोई इसका एंड टर्म दिख रहा है। मतलब ऐसा लाइन का मतलब एक ऐसी पिक्चर से, एक ऐसी आपकी मतलब पॉइंट्स के लोकस से है, जिनका ना तो एंड पॉइंट दिख रहा है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, लाइन। बहुत सिंपल बोल चाल की लैंग्वेज में आप लाइन बोल देते हो, लेकिन लाइन का मतलब एक ऐसी आपकी सीधी लाइन है या पॉइंट्स का लोकस है, जिनका कोई एंड नहीं है, ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। रे का मतलब क्या होता है दोस्त? रे का मतलब क्या होता है कि इसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स होता है, मतलब ये वाला पॉइंट तो फिक्स होगा, लेकिन ये पॉइंट फिक्स नहीं होगा। इसमें एक एंड फिक्स होगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ एंड हो रहा है ये फिक्स नहीं होगा दोस्त। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद रे की हम बात, लाइन सेगमेंट की हम बात करें। रे तो ये हो गया, लाइन सेगमेंट का मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे आपके, फिक्स होंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट हैं, तो ये आपका क्या होता है, लाइन सेगमेंट। इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है आपका और एंड पॉइंट भी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, ना ही आपका एंड पॉइंट। रे का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, एंड पॉइंट, समझ में, एक मोटा मोटा जानते रहो कि सबका मतलब है क्या। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए तो ये लाइन है आपका, स्ट्रेट लाइन का मतलब, लाइन तो सीधी ही होगी भाई, कर्व भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एकदम सीधी लाइन की। ठीक है, चलिए हमें इसकी बात करनी है, या इसकी बात करेंगे। दो पॉइंट्स दिए हैं, जनरल दिए हैं, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है वो, किसी भी प्लेस तक जा सकता है। अब इसमें आते हैं भाई, सबसे पहली चीज़ आपको डिस्टेंस फार्मूला, ये सब सारी चीज़ें पता ही होंगी, क्या होता है क्या नहीं, कैसे क्या। ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें, अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल में हैं, तो एक चीज़ मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं राइट एंगल ट्रेंगल में हूँ और ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एंगल मान लेते हैं दोस्त थीटा है, जरा हमें बताइए, अगर मैं इसमें टैन थीटा लूँ, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त? परपेंडिकुलर अपॉन, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर परपेंडिकुलर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है आपका, बेस क्या है आपका, बी सी है। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एकदम मोटा मोटा पूरा आइडिया है ही, क्यों भाई, फिर भी हम एक बार इसमें चलते चलते बात कर लेते हैं, ताकि बीच में हमें कोई दिक्कत ना आए, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। ठीक है दोस्त, अब इसमें समझो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्त, 0,0। बहुत बढ़िया, ये एक्स एक्सिस है आपका पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस है आपका पॉजिटिव, ये एक्स डैश है मान लेते हैं एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला डायरेक्शन है, ये वाई डैश से मान लेते हैं वाई का क्या है, नेगेटिव वाला डायरेक्शन है। बस क्लियर है? अब इन दोनों एक्सिस को देखो, एक्सिस का ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन और वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन मिलकर ये वाला प्लेन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, दोनों क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। अभी बोलेंगे एक एब्सिसा होता है, एक होता है ऑर्डिनेट, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन समझो दोनों यहाँ क्या आएंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला है, तो यह क्या होगा, माइनस प्लस होगा, मतलब एब्सिसा आपका नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव वाले एक्सिस मिलकर बना रहे हैं प्लेन एक, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, एक्स का पॉजिटिव है लेकिन वाई का, तो पहला वाला आपका क्या होगा, एलिमेंट पॉजिटिव होगा, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव।
जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एब्सिसा आता है, बाद में क्या आता है आपका ऑर्डिनेट आता है, मतलब पहले एक्स की वैल्यू होगी फिर किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब कैसे लिखते हैं ये वैल्यूज ये समझते हैं। ये सब चीज़ें आप जानते हैं लेकिन एक बार मैं मोटा मोटा बता दूं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कहीं से ना आए। समझ में आ रही बात हमारी? ठीक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हैं ऐसे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका। अब किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने लिख दिया, सपोज करो ए कॉमा बी टाइप का लिख दिया, ए कॉमा बी टाइप का लिख दिया। इसका मतलब है क्या? देखिए, जो पहला वाला नंबर है दोस्त उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सिसा। क्या बोलेंगे इसको? एब्सिसा। सेकेंड वाले को एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको दोस्त? ऑर्डिनेट। फर्स्ट वाले को बोलते हैं एब्सिसा, सेकेंड को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। इन शॉर्ट ये समझो कि पहली वाली वैल्यू हमारी एक्स की होती है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है? वाई। अगर तुम ऐसे याद रखना चाहते हो तो ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी समझो। अब इन सब में इन सब का मतलब क्या है ये समझिए। तो जो आपकी एब्सिसा होती है ना, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और जो आपका ऑर्डिनेट होता है ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं मान लो कुछ नाम दे दूँ, इसको एम डाल दे, इसको एन हमने लिख लिया, तो पी एम कितना होगा तुम्हारा? ये ए होगा दोस्त। कितना होगा? ए होगा। तो एब्सिसा का मतलब वाई एक्सिस से जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो है। शॉर्टेस्ट बोले परपेंडिकुलर बोले दोनों बात एक ही है। कहीं क्वेश्चन में अगर शॉर्टेस्ट लिखकर आ जाए या सिर्फ क्या बोल रहा है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यही रहेगा, बात एक ही है। ठीक है, और बी क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से नहीं है, एक्स एक्सिस से। अब कहीं पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो माइनस ए कॉमा माइनस बी है, माइनस ए कॉमा अगर माइनस बी है इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो अगर माइनस ए कॉमा माइनस बी है तो इसका मतलब बताओ, पहला तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है, इसका मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो गया? माइनस ए हो गया। और वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी? माइनस के बी है। ये बात समझ में आ रही है? ये आप समझ रहे हैं ना? दोनों नेगेटिव क्यों हो गए? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते ही हैं। इससे हम डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ये बात हो जाएगी क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, है ना भाई? कोई आपत्ति हो तो बता दीजिएगा, एकदम बेसिक चीज़ बता रहे हैं अभी, और कुछ नहीं। ये क्लियर है? अब यही समझिए, आप लगे हाथ यही समझ लीजिए। अब इस लाइन को अगर हमने आगे बढ़ा दिया, ये वाला लाइन मान लेते हैं हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मान लीजिए हमने आगे बढ़ा दिया, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जरा बताओ कौन सी चीज़ है जो सेम रहने वाली है। क्या माइनस ए सेम रहेगा या माइनस बी सेम रहेगा? बताना किससे इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होने वाली है। अगर इस लाइन को हमने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया इनफाइनाइट तक, उधर भी उसका कोई एंड नहीं है, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है, तो किस एक्सिस के बीच की इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है? वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से? वाई एक्सिस से। और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है? एब्सिसा होती है कि ऑर्डिनेट? वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा होगी कि ऑर्डिनेट? ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ना, मैं लिख देता हूं। एब्सिसा का मतलब क्या है दोस्त? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ऑर्डिनेट का मतलब क्या है दोस्त, समझना, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत चीजें काम की हैं। ये ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? एक्स एक्सिस। ये बात क्लियर है? ध्यान रखना। अब मुझे बताओ तुम, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉइंग ड्रॉ कर दिया तो किस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस इसकी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है? वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस सेम रहने वाली है ना भाई। एक्स एक्सिस से तो ऊपर नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस घट बढ़ जाएगा ना, लेकिन वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा इसकी क्या रहनी है? कांस्टेंट। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि लाइन क्या है? पैरेलल है आपके। इसका मतलब ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई कि नहीं? अब इस लाइन के हर एक पॉइंट पे या इस लाइन की हर एक पॉइंट पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी,
वो एफसीसा के बराबर होगी। एफसीसा क्या है आपका? माइनस के ए। इसका मतलब इस लाइन पे हम चाहे कहीं भी हों, चाहे तो हम कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, हम कहीं भी हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो माइनस से आनी ही आनी है। क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये लाइन वाई एक्सिस की क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो अगर लाइन हमारा माइनस से कॉमा माइनस बी से पास हो रही है और वाई एक्सिस की क्या है? पैरेलल है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्त बताओ? एक्स इक्वल टू माइनस के ए हो जाएगा। अगर लाइन माइनस ए कॉमा माइनस बी से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? माइनस के ए। मतलब ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है, ऑर्डिनेट की वैल्यू घट बढ़ सकती है जिस हिसाब से हाइट रहेगी, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसी को मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछूं तो, अब जरा यहां बताओ, अगर मैंने लाइन इस तरह से लिख दिया है कि ये जा रही है लाइन हमारी इसी पॉइंट से जा रही है, लेकिन किसके पैरेलल हो गई है अब ये? एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन का किस एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना है? अब एक्स एक्सिस से। तो अगर इसकी डिस्टेंस यहां से अगर माइनस बी है, तो यहां भी क्या आएगी? डिस्टेंस माइनस बी ही आएगी, और यहां भी डिस्टेंस क्या आएगी दोस्त? माइनस बी ही आएगी। तो अगर कोई दूसरी लाइन इस माइनस ए का माइनस बी से ही पास हो रही है, लेकिन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्त? वाई इक्वल टू माइनस के बी हो जाएगी। ये बात समझ में आई? उल्टा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बात होगी तो वाई इक्वल टू कुछ आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल की बात होगी तो एक्स इक्वल टू समथिंग आएगा। मतलब जिस पॉइंट से लाइन आपका पास हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो ऑर्डिनेट की वैल्यू हो वाई इक्वल टू वो लिख देना, वही लाइन का क्या हो जाएगा? इक्वेशन। जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल की बात कर रही है तो वाई इक्वल टू लिख देना, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल की बात हो रही है तो एक्स इक्वल टू। अब जरा मुझे बताओ, अगर हमने कह दिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, या मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया कोई पॉइंट, समझना ये बहुत जरूरी है दोस्त, ये बहुत सारी चीजें आपको आगे बताने वाला है। अब यहां पर पॉइंट हमने कह दिया 2,3। अब मैं आपसे पूछूं कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो 2,3 से पास हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? हाँ, 2,3 से जा रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई इक्वल टू 3 है तो 3 बताएंगे ना, बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी को और तो एंगल से पूछूं, इसी पॉइंट से जा रहा है लेकिन किसके पैरेलल है? अभी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त? तो बात समझ में आ गई? जिस एक्सिस के पैरेलल बात की जाएगी, जिस एक्सिस के पैरेलल बात की जाएगी, वो वैल्यू वहां नहीं लिखना है, दूसरी वाली लिखनी है। दो है, दो ही, या तो एक्स है या क्या है? वाई। एक्स एक्सिस के पैरेलल बात की जा रही है तो वाई इक्वल टू लिखना है, वाई एक्सिस के पैरेलल बात की जा रही है तो एक्स इक्वल टू लिखना है। बस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है वही एफसीसा आपकी, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होती है वही आपका क्या है? ऑर्डिनेट है। ये बात ठीक है? समझ गए ना ये चीज़? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? अगर समझ गए तो मुझे ज़रा बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देखें आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए हमने कह दिया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री है, यहाँ हमने कुछ और कह दिया, चलो ठीक है। अब हमने कह दिया चलो ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही लाइन, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, तो जरा मुझे बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जबकि ये माइनस टू कॉमा माइनस थ्री जा रहा है? वाई इक्वल टू क्या होगा? बहुत क्लियर हो गई ये बात? किसी कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? अगर हमने कह दिया यही वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही होती तो, क्लियर है कि नहीं? अब यहां से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखना, लाइन का इक्वेशन लिखना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। जब डायरेक्ट्रिक्स का लिखते थे तो एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई जो लिखते थे, ए लिखते थे, वाई लिखते थे, अब यहाँ सब समझ में, बस समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब लाइन की इक्वेशंस में जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले स्लोप की बात करेंगे क्या होता है, इंटरसेप्शन फॉर्म में देखेंगे, टू पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीज़ें एक एक करके आराम से बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए हमें स्लोप, या एक वर्ड होता है ग्रेडियंट, स्लोप या फिर एक वर्ड होता है आपका क्या? ग्रेडियंट। देखिए स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप का मतलब आप समझते हैं, दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन होता है उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, अब ये है जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये एक्स है, अब पॉइंट लेंगे दोस्त तो किसी न किसी कोऑर्डिनेट में तो होगा ही वो, हाँ
हमेशा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चीज़ों को ड्रॉ करके बताएं, ये अंडरस्टूड भी होता है, ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। मान लीजिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट से सपोज करिए आपका, ये सपोज करिए आपका एक्स वन कॉमा वाई वन है, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू है। स्लोप का मतलब इसका एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है ये अपने को निकालना है, लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए लाइन सेगमेंट वाला समझ रहे हो ना, इसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स है, यहीं तक जाना है, ए से बी तक ही जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस इसका क्या निकालना है, इंक्लाइनेशन निकालना है। स्लोप हमेशा जब भी बात करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से ही बताया जाएगा, ये दिमाग में अपने रख लेना। स्लोप हमेशा जब भी हम एंगल की बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, मैथ्स का न्यूमेरिकल हो, तो जो एंगल बताया जाएगा हमेशा किसके साथ बताया जाएगा दोस्त, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही बताया जाएगा। और एंगल लेने का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको ध्यान रखना है। एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में लिया जाता है दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे समझाता हूँ, जैसे समझो, जैसे ये है एक्स एक्सिस, वहाँ समझो एक लाइन यहाँ है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो एंगल हमेशा यहाँ से इस एक्स एक्सिस से ऊपर बढ़ेंगे दोस्त, एक्स एक्सिस से कहाँ बढ़ेंगे आप, ऊपर बढ़ेंगे, ये डायरेक्शन बताना होता है, समझ में आई हमारी बात ये। लेकिन अगर यही लाइन नीचे जा रही होती तो अब ये देखो डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया ना। अगर मान लो सेम एंगल बन रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ऊपर जा रहे हैं, एंगल सेम बन रहा है, लेकिन साइन यहाँ क्यों अपोजिट हो गया, क्योंकि यहाँ हमने किस डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो कभी कभी एंगल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी चलेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ इसकी जरूरत नहीं, लेकिन बात आ गई तो हमने बता दिया आपको कि एक नॉलेज अपना रखिए दिमाग में, चीज़ें क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब ये एक्स एक्सिस को दोस्त इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो इंक्लिनेशन निकाल पाओगे क्या, उसका तरीका क्या होगा, तुम्हें यह पता हो कि दो पैरेलल लाइन का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्त, दो पैरेलल लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्त, इक्वल होते हैं, ये तो पता है ना, ऑल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब इक्वल होते हैं, ठीक। अब इस केस में देखो, अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो जहां तक ये लाइन आ रहा है, जहां तक आ रहा है उसी पॉइंट पे क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। तो जब इस लाइन को हम आगे बढ़ा रहे होते तो एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा जो एंगल बनाएगा वही एंगल यहां भी बनाएगा, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि ये लाइन जहां तक आ रहा होता है उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो इस पैरेलल लाइन के साथ इसका जो इंक्लिनेशन होगा ऑब्वियस सी बात है वही इंक्लिनेशन किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ होगा, वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। बात समझ में आ रही है, ये चीज होगा। फिर अब यहाँ देखिए, अब ये स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप हमने क्या बताया आपको, कुछ नहीं, अभी ये देखना है हमें। स्लोप का मतलब जो हम लिख रहे हैं दोस्त, स्लोप इक्वल टू या ग्रेडियंट आपको इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है आपका tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू अभी आपने क्या बताया हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है दोस्त, बेस। अब ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल थीटा बन गया। चलो अब इसमें बताओ परपेंडिकुलर होगा बेस कौन का होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए अब हमें बताएं आप लोग, बहुत ध्यान से देखना, फिर हम जो पूछेंगे उसको बताइएगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, इसका मतलब इसकी यहाँ से हाइट कितनी है दोस्त, वाई वन है, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स वन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को ना। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स वन है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्त, सॉरी एक्स एक्सिस डिस्टेंस वाई वन है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक्स वन है, क्लियर है ना। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, एक्स वन हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है दोस्त, वाई वन है। अच्छा अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है तो क्या मैं मानूँ कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स टू है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है दोस्त, वाई टू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को ना, यही तो हम पढ़े ना एफसीसा ऑर्डिनेट का मतलब यही है। अब जरा मुझे बताना, हमें ये पूरा हाइट पूरी लेंथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेस बीसी चाहिए या एसी चाहिए हमें, तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स टू है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स वन है, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें या दोनों को प्लस करें, क्या करना चाहिए हमें, एक्स टू में से क्या कर दें,
इसका मतलब ये मैं मानू कि जो ए सी है या जो बी सी हमारा जो ए सी आएगा या जो बेस हमारा आएगा ये एक्स टू माइनस एक्स वन होगा दोस्त, ये बात क्लियर है। अब हाइट के कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिए, पूरी हाइट हमारी वाई टू है वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है वाई वन है, वहाँ भी तो पैरेलल है तो यहाँ भी वाई वन ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट की केवल बात करूँ, ये हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो क्या आएगा दोस्त, वाई टू माइनस वाई वन आएगा। इसको किसी को आपत्ति बताओ, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गया। और आपने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका वाई टू माइनस वाई वन अपॉन बेस क्या है दोस्त एक्स टू माइनस एक्स। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एम से रिप्रेजेंट करेंगे या टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, या एम या टेन थीटा या क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू माइनस वाई वन का मतलब क्या है, इसी को शॉर्ट में फिजिक्स में आप लिखते हैं डेल वाई अपॉन क्या डेल एक्स, चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने चेंजेस आ रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतने चेंजेस आ रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या वेरिएशन आ रहा है। इसीलिए आप लोग एक्सीलरेशन वगैरह जैसे टर्म्स जब पढ़ते होंगे ना तो आप कहते होंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपकी किस तरह से चेंज हो रही है वही क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। यही तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो भी एक स्लोप ही है क्या है ग्रेडियंट है। मैंने ग्राफ वाला टेबल बनवाया होगा कि किसका क्या एरिया देगा क्या आपका वो सब देगा, बताया था ना ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिलहाल तो ये समझ गए आप स्लोप का मतलब क्या है, कि जो लाइन है जो लाइन सेगमेंट है उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या इंक्लाइनेशन है क्या झुकाव है कितने एंगल पे उससे झुकी हुई है वो हमारा क्या होता है बेसिकली स्लोप होता है। और उसको निकालने का ये फार्मूला है, एंगल दिया रहेगा तो टेन थीटा से निकाल लेंगे, पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे निकालेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप या ग्रेडियंट हमारा क्या हो गया दोस्त, फार्मूला इसको लिखो, स्लोप या फिर ग्रेडियंट का फार्मूला हमारा जो बन गया, इसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एंगल दिया है तो tan थीटा लिखेंगे और ये क्या बन गया आपका y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है डेल y अपॉन वॉट डेल x। कोई डाउट हो किसी को तो बता सकता है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, बोल भाई क्लियर है ना, क्लियर। कभी कभी एंगल दिया रहता है ना तो tan का निकाल लेना, अगर एंगल नहीं पता है तो मैं लगे हाथ लिख देता हूँ, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है दोस्त जरा हमें बताए कोई, टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, टेन टेन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, बहुत बढ़िया, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होगी दोस्त रूट थ्री, टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू कितनी होगी दोस्त कोई बात नहीं, टेन नाइन्टी की वैल्यू कितनी होगी दोस्त नॉट डिफाइन है ये वन अपॉन जीरो करके लिखते हो आप, यही है ना, कम से कम इतनी वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, कुछ मोटा मोटा याद रखिए, टेन वन ट्वेंटी की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, टेन वन ट्वेंटी की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ तुम लोग पढ़े हो सब, हाँ माइनस बहुत बढ़िया माइनस रूट थ्री, टेन वन थर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ निकालना, ये सब बताया था ना हमने कि कैसी वैल्यू निकालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद है, कितनी आएगी वैल्यू इसकी माइनस के वन आएगी बहुत बढ़िया, टेन वन फिफ्टी की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, वन फिफ्टी की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ वन बाई रूट थ्री बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत अच्छे लाजवाब, टेन वन एट्टी की वैल्यू कितनी होगी जरा बता दो चलते चलते एक, ये सॉरी तुम लोगों के लिए बड़ा कॉमन हो गया है याद है तो ठीक है, नहीं फिलहाल यहाँ पर इस एंगल की जरूरत थी टेन के कॉन्टेक्स्ट में तो टेन का हमने अलग से आपके लिए लिख दिया, याद है तो ठीक है इट्स गुड, नहीं याद है तो टेन के कॉन्टेक्स्ट में आपकी ज़रूरत थी तो हमने इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया, समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो कोई आपत्ति किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ 1% की, सब ठीक चल रहा है आगे बढ़े फिर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ स्लोप की बात हो गई अपनी समझ में आ गया भैया, चलो अब स्लोप हो जाने के बाद आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, मान लीजिए लाइन किसी कहीं दो पॉइंट से पास हो रही तो लाइन का इक्वेशन, लाइन या सर्कल या किसी का भी इक्वेशन लिख रहे हैं तो बेसिकली सभी पॉइंट्स का लोकस होता है वो, उस पाथ को हम ट्रेस कर रहे होते हैं बेसिकली जहां से वो चीज क्या हो रही है पास हो रही है ना, वही तो निकाल रहे होते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हेडिंग करो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा दोस्त? बहुत तनाव मत लेना इन चीजों का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। अब जरा देखो, इसके पहले ना तुम लोग एक चीज समझो, इसके पहले आप एक चीज समझो, तब मैं इसको बताऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। समझो, इसको मैं पीछे लूंगा, अभी आगे थोड़ा बता रहे हैं। देखो जरा, अगर तीन पॉइंट्स हैं मान लेते हैं, जिसे मान लीजिए कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है हमें, ए है, बी है और क्या है आपके सी है, तीन पॉइंट हैं दोस्त। दोस्त समझो यहां, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका पॉइंट क्या है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी है। अगर हम इनकी स्लोप की बात करेंगे तो हम कहां से ले रहे होते हैं बेसिकली, अगर हम इसके स्लोप की बात करेंगे तो हम कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे ना दोस्त। अब जरा बताओ, अगर ये सेगमेंट जो है आपका, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो पहले एक यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, एक यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, और एक यहां से चाहे ड्रॉ कर दो चाहे उतना ही रहने दो, दो से ही अपना काम चल जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, आप लोग इंटेलिजेंट हैं कि यहां पर अगर एंगल थीटा बन रहा होगा तो यहां भी क्या थीटा ही बनेगा क्या, क्योंकि ये लाइन इसके पर है, ये इसके पर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और यही एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा, होगा ये बात, इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं, बढ़िया है। चलिए अब ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये तीनों पॉइंट्स लीनियर हैं, लीनियर होने का मतलब क्या है, कोलीनियर होने का मतलब, कोलीनियर है मान लीजिए, कोलीनियर होने का मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ यहां समझना, इफ एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू एंड क्या है आपका एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर कोलीनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है तो इसका मतलब क्या है, जरा मुझे बताओ, ए बी का इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो स्लोप आएगा वही लाइन सेगमेंट बी सी का भी स्लोप आएगा क्या, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है ना, तो जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, इसका मतलब यहां से हो गया कि स्लोप ऑफ वॉट ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्लियर है कि नहीं जरा बताओ मुझे, ए बी का जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ वही स्लोप किसका होगा दोस्त, बी सी का होगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। हाँ, अगर स्लोप इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, बात हमारी क्लियर है, इसका मतलब क्या है देखो समझे, अगर तीसरा वाला पॉइंट यहां हो जाता दोस्त तो इस यहां से जो लाइन पास होगा क्या, यहां से जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी तो आ जाएगा सेम, लेकिन अगर इसके पैरेलल नहीं है तो मान लीजिए लाइन अगर ऐसे जा रही है तो, या मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है तीनों में से कोई एक पॉइंट उस लाइन पे नहीं आ रहा है तो क्या उसका स्लोप बराबर आएगा क्या इस लाइन की, अब जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये लाइन मान लो दोनों एक सिंगल पॉइंट से कॉमन जा रही हैं, बाकी अदर पॉइंट दोनों के क्या है अलग अलग हैं, तो क्या दोनों लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ सेम आएगा क्या, सेम एंगल बनाएंगी क्या ये, कभी नहीं। इसके अलावा किसी भी लाइन के अगर तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी लाइन पे अगर तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, लाइन सेगमेंट्स के स्लोप इक्वल नहीं आ रहे हैं तो लाइन जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर होने का मतलब एक सिंगल लाइन पे नहीं आ रही हैं, वो उस लाइन से हटकर है कहीं आगे पीछे या जहां भी हो, तो कोलिनियर होने का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट का जो भी तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं उन सेगमेंट्स का जो स्लोप होगा हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा, बात समझ में आ रही है ना कैसे, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा दोस्त। ए बी का स्लोप की बात करेंगे तो हम कहां से जाएंगे भाई, यहां से यहां जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट हमारा ये है, इनिशियल पॉइंट ये, हम कैसे निकालते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन क्या निकालते थे दोस्त एक्स टू माइनस एक्स वन, जब हम बी सी की बात करेंगे तो एक्स टू वाई टू हमारा पहला पॉइंट है और एक्स थ्री वाई थ्री हमारा सेकेंड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस का इनिशियल करते हैं तो यहां वाई थ्री माइनस क्या लिखेंगे हम वाई टू लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे जरा बताओ, अपॉन में क्या लिखेंगे आप एक्स थ्री माइनस एक्स टू लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन सेगमेंट्स के जो स्लोप आएंगे हमेशा क्या आएंगे इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, ये बात क्लियर है, इसमें कोई किसी को परेशानी वाली बात हो बताओ, समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़े, हाँ इससे डजेंट मैटर, डजेंट मैटर कहाँ कितनी दूर है डजेंट मैटर,
हमने कहा ये लाइन इनफाइनाइट, अब इसको आगे बढ़ाएं, उसको भी आगे बढ़ाएं, तो कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। डिस्टेंस कितनी? हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे, वही तो बताया मैंने। ये बात क्लियर है? नोट करो, इसको क्लियर करो पहले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ, ये चीज़ है। चलिए अब पीछे आ जाएं, हम जो जरूरी चीज़ बताने जा रहे थे, आ जाएं। चलिए हटाए दोस्त, हटाओ हीरो। जल्दी बताएं, जल्दी कर दूं थोड़ा। एक्स वन वाई वन ये क्या है मान लिया है, एक्स टू वाई टू है, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, जो आप लोग कहेंगे कर देंगे। अच्छा मुझे जरा बताओ, अगर ए बी और बी सी का स्लोप बराबर है तो क्या इन सभी का स्लोप ए सी के भी बराबर आएगा? भाई ये स्लोप आप ए सी के भी तो बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा कि नहीं? जो ए सी का स्लोप होगा वही ए बी का भी स्लोप होगा, वही किसका स्लोप होगा? सबका बराबर आएगा ना। क्लियर है? चलो अब यहां आओ। अब बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट हमने दे दिया है आपको, सपोज करो अब इस लाइन का करना है, तो इसी में एक जनरल पॉइंट हम कोई कंसीडर कर लेते हैं, या मान लो यहां कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जनरल पॉइंट, इसके बाहर भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं। तो एक जनरल पॉइंट पी हमने ले लिया, पी का कोऑर्डिनेट हम लोग हमेशा कैसे मान रहे हैं, जब भी किसी चीज का हम इक्वेशन लिखना होता है तो एक जनरल पॉइंट पी लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, एक्स कॉमा वाई मानेंगे, पी मान लेते हैं उसी लाइन पे है। अब लाइन हमने कहा ना इनफाइनाइट तक जाएगा ये, इधर भी और, तो हम इसके बीच में कहीं मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं और उधर कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अब मैं बताऊं कि ये स्लोप जो तुम्हारा पी ए का होगा वही क्या स्लोप आपका ए बी का होगा? तो स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू क्या होगा दोस्त, बताओ जरा, स्लोप ऑफ ए बी होगा, ए बी के स्लोप के बराबर होगा कि नहीं? अच्छा अब बताओ पी ए का स्लोप क्या होगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, पी क्या है इनिशियल पॉइंट है, तो क्या होगा, वाई वन माइनस वाई अपॉन क्या हो गया एक्स वन माइनस एक्स इक्वल टू, वहां क्या होगा, हाँ ए बी निकालेंगे तो वाई टू माइनस अपॉन, कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ। मैं थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँ तो क्या ये वाई माइनस वाई वन होगा, नीचे भी माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या ये एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन होगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, इसको भी हमने वाई माइनस वाई वन लिख दिया माइनस कॉमन करके, इसको भी हमने लिख दिया एक्स माइनस एक्स वन, दोनों माइनस कॉमन माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट, ये लिख पाएंगे? चलिए अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा जरा बताइए, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ क्या आएगा, क्या दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन यही है दोस्त, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यही आता है, ये हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, इतनी बताओ, इसमें किसी कोई आपत्ति, बोलो भैया नहीं, ठीक है फिर लिखो। नोट कर लो जल्दी से, जो लोग लिख रहे हैं वो जल्दी लिखें, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो मजे करें जल्दी। समझ आ रहा है? ठीक है क्लियर है ये? ठीक है राहुल, लिखो लिखो जल्दी लिखो। ठीक है दोस्त चले आगे बढ़े। ठीक है लड़की क्या कर रही है, मतलब इसको पढ़ते हो क्वेश्चन भी सॉल्व, मैं तो फैन हो गया तेरा। चल अच्छा भाई ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया क्या, आगे बढ़े। चल अब इसी में क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, y2 टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, m है कि नहीं, ये स्लोप है कि नहीं, y2 टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसी को लिखेंगे, जब स्लोप दिया हो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है दोस्त, वाई माइनस वाई वन एम और क्या होता है x माइनस एक्स वन, यही हो जाता है कि नहीं? अब नीचे लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विस, हाँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है दोस्त, एक पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अब उसका स्लोप दिया होगा दोस्त। अब लाइन है ये, मान लेते हैं हमारी किसी एक पॉइंट से जा रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मान लेते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, किसी एक पॉइंट से जा रही है और उसका क्या दिया है स्लोप दिया है दोस्त, क्या दिया है स्लोप हमेशा किसके साथ लेना है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था सीधे, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होगा दोस्त एम एक्स माइनस क्या जाएगा ये एक्स वन, वही तो एम है ना जो पीछे हमने बताया अभी, वाई टू माइनस वाई वन जो आता है ये बन जाएगा। जब एक ही पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया है, स्लोप दिया है या एंगल दिया है, जहाँ एम का मतलब क्या है स्लोप है या ग्रेडियंट है आपका, एम का मतलब क्या है बेटा स्लोप या ग्रेडियंट है, और एम इक्वल टू टेन थीटा वी होता है आपका जो क्या है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पढ़ लिया हमने, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हाँ एक्स वन वाई वन दिया रहेगा, एक्स वाई में इक्वेशन तो आएगा ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो एक्स वाई रहेगा ना दोस्त। भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, यह आएगा तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का आएगा कि नहीं, जहां ए बी सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉफिशियंट्स हैं, सी तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ए बी क्या है एक्स और वाई के कॉफिशियंट है, लेकिन इक्वेशन लाइन का लिख रहे हैं तो एक्स वाई तो आएगा ना दोस्त, लोकेस निकाल रहे हो ना आप, एक जनरल एक्सप्रेशन निकलेगा जिसमें एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा। स्लोप, हाँ स्लोप ये है आपका इंक्लाइनेशन का मतलब, वो एंगल बताना है आपको, थीटा बताना है, ठीक है दोस्त ये से। हाँ बिल्कुल 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 वही है इंक्लाइनेशन, वही एंगल है, हाँ स्लोप वही एम है टेन थीटा, नहीं दोस्त दोस्त ये समझो, जो ग्रेडियंट या स्लोप की बात होगी तो एम निकालना, जैसे मान लो ये वन दिया है तो ये वन तुम्हारा क्या है वन क्या है, हाँ ये ग्रेडियंट है स्लोप है इसका, एंगल की बात करेगा उसका कि क्या है ना, तब क्या निकालो ये स्लोप है तुम्हारा ग्रेडियंट है, इंक्लाइनेशन की बात करेगा या एंगल की बात करेगा तो यहाँ से थीटा निकालना कितना जाएगा 45 डिग्री, तो इंक्लाइनेशन कितने का है 45 डिग्री का है, स्लोप या ग्रेडियंट कितना है उसका वन है, ये समझना समझे। हाँ तो सीधे स्लोप निकालो ना, वन कॉमा टू और क्या दिया है 5.6 दिया है, अब इसका स्लोप निकालना है दोस्त, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया एक्स वन वाई वन हो गए, वो क्या हो गया ये हो गया एक्स वन वाई वन और क्या हो गया एक्स टू वाई टू हो गया। अब स्लोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम होता है वाई टू माइनस वाई वन होता है, तो सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव माइनस वन कितना आएगा दोस्त, ये भी फोर आएगा, ये भी कितना आ गया वन, स्लोप हमारा क्या गया, अब एंगल निकालेंगे वहां से, समझ में आई बात, ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्त। तो एक पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन, दो पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ क्या हुआ, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस क्या होंगे ये समझ लो आप, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस क्या होगा ये समझो, जो समझा रहे हैं अभी वो समझो, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म की जब बात करेंगे तो अब यहां क्या होगा देखो, दो सिचुएशन बनेंगी, दो सिचुएशन बनेंगे दोस्त यहां समझो, एक होगा केवल y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है, ओनली y इंटरसेप्ट x एक्सिस का भी इंटरसेप्ट दिया हो, कहीं कहीं x एक्सिस का भी इंटरसेप्ट दिया है और y एक्सिस का भी इंटरसेप्ट दिया है, जब दोनों का दिया हो, जब एक का दिया हो, उस सिचुएशन में क्या बनेगा,
जब केवल y इंटरसेप्ट दिया हो, जब दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है, इस इंटरसेप्ट फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन बनेगा। समझ में आया नीलय? नीलय की नीलम क्या नाम है तेरा? नीलय। चलो यहां दे, आ जाइए दोस्त। एक इंटरसेप्ट दिया है, केवल y इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया होगा, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या बनता है दोस्त? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिया है। अब तनाव मत लेना कि ये कैसे आ गया, हाय राम ये कैसे आ गया, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अभी बताते हैं कैसे आएगा सब। पहले लिख लो इक्वेशन, फिर समझाते हैं कि ये चीज़ें आ कैसे रही हैं। ओके ठीक है भैया, आ गया समझ में? ठीक, दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो सिचुएशन इसमें कैसी होगी, इसका मैं तुम्हें थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे है मान लो, ओहो सेट, मान लो ये है, केवल एक इंटरसेप्ट दिया है, वो भी किसका? वाई इंटरसेप्ट दिया है, और इसका स्लोप दिया था एम है। दोनों का इंटरसेप्ट दिया है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे भी कुछ न कुछ काट रहा है और वाई एक्सिस पे भी कुछ न कुछ इंटरसेप्ट काट रहा है, कुछ इस फॉर्म का दिया है। तो इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? अभी दोनों का अलग अलग मैं डिराइव कर रहा हूं, आप चिंता ना करो, लेकिन अभी इक्वेशन बता दे रहे हैं, फिर डिराइव करते हैं इसके बाद। इसका आता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है दोस्त? x अपॉन जो x एक्सिस के नीचे काट रहा है, जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटेगा उसको x के नीचे, p प्लस y अपॉन जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा होगा उसको y के नीचे इक्वल टू में क्या आएगा दोस्त? 1 आएगा। क्लियर है? ये लिखा जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है ये समझाते हैं आपको। ए और बी वो इंटरसेप्ट की लेंथ है, हो सकता है यहाँ 2 यूनिट काट रहा हो, यहाँ 3 यूनिट काट रहा हो, तो यहाँ क्या लिखते 2 और यहाँ क्या 3 आ जाता, ऐसे लिखते इसको, है ना। हो सकता है लाइन ऐसे जा रही होती दोस्त, देखो ऐसे, समझाएं कैसे, जैसे मान लो लाइन ऐसे जा रही होती तो, ओहो सिट, मान लो लाइन ऐसे जा रही होती तो एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट काटेगा लेकिन वाई पे नेगेटिव, तो एक्स के नीचे पॉजिटिव इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आती है वो लिखते, वाई एक्सिस के नीचे क्या लिखते हैं? नेगेटिव इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं, जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। समझ में आया? बुझा रहा है कि बुझ गया? आ रहा है? अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं ये समझाते हैं दोस्त। पहले हम पहले वाला बताते हैं, ये मान लेते हैं नंबर 1, ये क्या है आपका नंबर 2। पहले हम नंबर 1 वाला आपको केस बताते हैं, फिर नंबर 2 वाला। देखिए जब आप पूछें तो इंटरेस्ट के साथ उसको देखें, क्योंकि बताने में एनर्जी लगती है, ये मानिए आप इस चीज़ को। और टीचर के लिए बड़ा बोरिंग काम होता है कि एक ही चीज़ को बार बार, फिर भी तुम सोचो मेरा पेशेंस का लेवल कि मैं बार बार उस काम को कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? बड़े तसव्वुर से कर रहा हूँ, शिद्दत से, ये आसान बात नहीं है। हाँ ठीक है, हमने ध्यान हटा दिया बेटा तो दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी। देखो दोस्त यहाँ चलो केवल एक इंटरसेप्ट दिया है, वाई दिया है, केवल एक इंटरसेप्ट दिया है, वो भी क्या है? वाई का दिया है दोस्त। और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई? ओरिजिन से कितना काट रहा है? ये सी काट रहा है। चलो कोई खातून बताए मुझे, अगर ये पॉइंट में ए मान रहा हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जबकि इसका इंटरसेप्ट की लेंथ यहाँ से सी है, कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0.0। तुम यार खातून तो नहीं थे? खातून मतलब, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम जेंडर बायस्ड आदमी नहीं हो, अच्छी नहीं नहीं तुम मतलब तुम जेंडर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, डिफरेंट नहीं करते, अच्छी बात, बहुत खूब बहुत खूब, कोई दिक्कत नहीं, मुकेम्बो खुश हुआ, आ जाओ यहाँ आओ दोस्त। स्लो कोई ऐसी बात नहीं, देखो हो गया, इतना बड़ा इशू नहीं है, तो मैंने हंसने के लिए कह दिया बेटा, अब लगे उसका जो है डीएनए टेस्ट कराने, ये सब नहीं चलेगा। चलो एम है, मान लो स्लोप दिया है इसका, और किसी एक एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है दोस्त, वाई एक्सिस का क्या दिया है? इंटरसेप्ट दिया। मर्द का बच्चा है बेटा, शतक मार के आया है। अच्छा अरे यार तुम कुछ बोल ही नहीं देते, मैं यहाँ माहौल बनाने लगा हूँ, तुम यार सबका पाई पाई का हिसाब लिए बैठे हो। अच्छा देव देव, तो 0.C हो गया और उसका स्लोप दिया है m, तो हमने कहा था एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस क्या हमने बताया था x1,
स्लोप एम दिया है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया है, एक पॉइंट दिया है तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स वन वाई वन हो गया, एक्स वन हो गया और क्या हो गया ये वाई वन हो गया। तो इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना दिया है दोस्त, सी है, स्लोप ऑफ एम दिया है, एक्स वन कितना दिया है जीरो, तो वाई माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एम एक्स हो जाएगा, माइनस का सी उधर जाएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा ये एम एक्स प्लस, देखा एम एक्स प्लेयर यही है ना इक्वेशन, कैसे समझ में आए ये बात, किसी को आपत्ति परेशानी बताओ, यहाँ सब ठीक ठीक है, धूमधाम चल रहा है एकदम, चलिए नोट करो भाई, नोट करो जल्दी से नोट करो। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आप क्या क्या होगा जनाबे आली लाला आली। चलो हो गया दोस्त, आगे बढ़े आयुष, तुम चिंता में आ गए यार, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, ठीक आ जाओ दोस्त। दूसरा आज तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब तुमने एक शानदार कैच पकड़ा था आज, हाँ नहीं 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 वास्तव में लाजवाब था, जिस तरह से वो चीज़ था, आपके पास टाइम बहुत कम था लेकिन तुमने अच्छा हैंडल किया, गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो जैसा होगा, हाँ क्या हुआ, आ जाओ क्या, अरे आ जाओ दोस्त। अब एक लाइन है जो दोनों पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट काट रही है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है, अगर ए इंटरसेप्ट काट रही है मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है दोस्त, ए है, और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रही है मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है दोस्त, बी है, सपोज करो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बी है, क्लियर हो रहा है बी। अब मुझे बताओ, चलिए कौन बताएगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, ऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई एक्सिस पे एप्सिसा की वैल्यू जीरो होगी मतलब एक्स जीरो होगा, इसलिए कहा जाता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा जरा बताओ हमें, हाँ किसी में भी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये तो जनरल बात है ना, या वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा दोस्त वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चाहे हम राइट में हो चाहे कहाँ हो। अब मैं वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछूँ तो क्लियर है कि नहीं बात, ये सब भी सेंस रखो मेरी मतलब दोस्त, ठीक है समझो इसको, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे चाहे हम राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट में, वाई हमेशा क्या होगा, ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में है चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों जगह वाई की एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक्स वाई एक्सिस पे कहीं भी हैं हम, ये समझना ठीक है। आ जाओ अब देखो, ये फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट हो गया कि नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट हो गया कि नहीं ये, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट कहाँ से जा रहा है, पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, ये ध्यान रखना कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट, बी हमारा क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्त एक्स टू वाई टू, इसमें कोई आपत्ति। अब लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, अभी आपने लिखा वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है दोस्त जीरो है, वाई टू कितना है बी है, वाई वन है जीरो, एक्स टू कितना है जीरो, एक्स वन कितना है ए, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, कोई आपत्ति नहीं, वही इक्वेशन लिखे कौन सा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, अभी लिखते हैं इसको, तो ये वाई तो हो गया, ये बी अपॉन माइनस ए आएगा दोस्त,
और यहाँ क्या है, x माइनस ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए वाई, ये क्या हो गया bx माइनस का ए बी है, माइनस के ए बी को हम इधर लाते हैं और माइनस ए वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या प्लस ए वाई हो जाएगा। अब ए बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, ए बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन आएगा, यहाँ x अपॉन क्या आ जाएगा दोस्त, a आ जाएगा, यहाँ y अपॉन क्या आ जाएगा b। क्या यही लाइन का इक्वेशन था? अगर x एक्सिस y एक्सिस पे दोनों पे इंटरसेप्ट काट रहा है, x पे a काट रहा है, y पे b काट रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। इज इट क्लियर? किसी को कोई आपत्ति परेशानी हो तो बता सकता है, तो अब धूमधाम से लिख लो इसको, ठीक है भैया राहुल? इस भाव से मत देखो कि सर एक बार और बता दीजिए, आ रहा है ना, चलिए ठीक है, आ रहा है, आ रहा है तो बढ़िया, ठीक चल रहा है, नहीं आता तो भी ठीक चलता, चलना तो था ही, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, है ना राहुल? और से आ रहा है भैया, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सेकंड बाउंस पे नो हो जाता है बेटा, यहाँ ध्यान रखना। चलो ठीक है, लिख लिए, तो इसका मतलब तुम बेमानी किए थे, तब फिर क्या कह रहे हो दिए, हाँ ठीक, चलो आगे हटाए इसको, लिख लिए, आ जाओ। अब देखो, अब दोस्त इसके बाद आता है तुम्हारा, अगर दो लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे हम बात करते हैं। तो लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन है, मान लीजिए एक इधर जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कहीं कुछ भी जा रहा है, ये लाइन हमारी वन है, ये लाइन क्या है आपकी टू। लाइन वन का इक्वेशन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम, समझिए लाइन वन का इक्वेशन मान लेते हैं क्या है, y इक्वल टू क्या है m1 x प्लस c1, प्लस c1 का मतलब क्या है, स्लोप इसका m1 है और y एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना है c1 है दोस्त, है ना, समझ गए ना, इसका मतलब ये लिखे था ना y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब क्या है, ये y इक्वल टू क्या है तुम मान लेते हैं m2 x प्लस क्या है दोस्त c2 है, हालांकि ये y एक्सिस को नहीं काट रहा है, लेकिन फिर भी अगर नीचे जा रहा है तो मान लो कहीं काट रहा है तो उसका स्लोप कितना आ रहा है, c2 आ रहा है, हमने लिख दिया। अब जरा देखो, थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर दें क्या इसको, तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा क्या जा रहा है, एढ़ा तिरचा जा रहा है बेटा, तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अब मामला इतना है, कुछ न कुछ इंटरसेप्ट तो यहाँ काट ही रहा है। अब मैं दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात करूँगा दोस्त, तो देखो क्या आएगा, पहले लाइन का एंगल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है दोस्त, जो भी बन रहा है इसी पॉइंट पे मान ले, इधर से कहीं से भी देख लें, पहले लाइन का जो एंगल बन रहा है वो कितना है दोस्त, यहाँ से देखो ये मान लेते हैं थीटा वन है जो भी है, दूसरे एंगल का एंगल कितना बन रहा है दोस्त, थीटा टू है, ये वाला एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है, अगर दोनों लाइन के बीच के एंगल की हम बात करेंगे तो क्या होगा, दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात करेंगे, ये वाला एंगल की बात करेंगे तो क्या ये थीटा टू माइनस थीटा वन है भाई, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो एक एक्स एक्सिस का थीटा टू बना रहा है, पहला एक्स एक्सिस का थीटा वन, दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो थीटा टू माइनस दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा कि नहीं, इस थीटा टू माइनस थीटा वन को हम फाइव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्त फाइव, क्या मान लिया जाए फाइव, तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है ये याद रखना है आपको, यहाँ से होता है दोस्त टेन फाइव इक्वल टू, टेन फाइव इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ m1 वन माइनस एम टू अपॉन, या पूरे के मॉड लगा दो दोस्त, क्या होगा 1 माइनस एम वन एम टू, फिर पूरा का मॉड लिख दो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है,
इन शॉर्ट ये समझो कि ये भी पॉजिटिव लेना अपने को, ये भी, फिर रेशियो जो आएगा वहां से लिखेंगे। और फाई क्या है, दोनों भी दोनों लाइन के बीच का क्या है, ये एंगल है। एम वन माइनस एम टू या एम वन डिफरेंस एम टू लिखा जाता है, वन माइनस एम, ये हम प्लस में लिखा है दोस्त, सेट ये प्लस में लिखना, ओ सेट सेट सेट, एम वन डिफरेंस एम टू अपॉन क्या होगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे आया समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या, आ जाएगा ना, मतलब इतना याद रखो, इसमें बहुत लिखने को नहीं आएगा कुछ। अब जरा मुझे बताओ, तो tan phi इक्वल टू यू हो गया, दोनों के बीच का ये आएगा, है ना। अब दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, उन कंडीशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। लिखिए, दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, वो कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशंस फॉर, कंडीशंस फॉर पहली सिचुएशन क्या है, पैरेललिज्म की है। सेकेंड सिचुएशन किसकी है, परपेंडिकुलरिटी की है। पैरेललिज्म, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलरिटी। पैरेललिज्म का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है दोस्त, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री मिल रहे हैं, है ना दोस्त, यही है। पैरेलल वाली ये सिचुएशन है, वन और टू है, और परपेंडिकुलर वाली कौन सी सिचुएशन होगी दोस्त, एक ये है तो मान लेते हैं दूसरी ये है, पहली लाइन ये है दूसरी ये, दोनों सिचुएशंस ये हैं समझो। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होता है दोस्त, एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। हमने फार्मूला क्या लिखा जरा बताओ, यहाँ पर टेन फाइव इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन, तो यहाँ टेन जीरो लिखेंगे, टेन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो एम वन माइनस एम टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एम वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू। इसका मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हो गई तो दोनों के स्लोप क्या आ जाएंगे दोस्त, इक्वल आ जाएंगे। दो लाइन अगर पैरेलल हो गई तो दोनों का स्लोप हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है दोस्त, ठीक, क्योंकि पैरेलल लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। यही तो पीछे पड़े ना, जानते भी हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसलिए स्लोप भी हमेशा क्या आएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाए दोस्त, 90 डिग्री, परपेंडिकुलरलिज्म बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलरिटी हमने बोल दिया, कंडीशंस हैं। अब जरा देखो, टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन होती है, नॉट डिफाइन का मतलब 1/0 लिखे आप, एक अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1/0 या समथिंग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अपॉन जीरो, तो 1/0 रखेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+M1M2 आ जाएगा कि नहीं, इक्वल टू जीरो, तो M1M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के वन, माइनस वन, प्लस वन है ना तो उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका तब दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दोस्त वो कितने के इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के इक्वल हो जाए, या सेकेंड का स्लोप फर्स्ट के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। सेकेंड लाइन का स्लोप फर्स्ट लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो फर्स्ट लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। इसमें कोई आपत्ति वाली बात हो तो बताओ, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना दोस्त, चले आगे बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेक्ट निकालना है तो आप कैसे करते, कोशिश ये समझिए, तो एक हेडिंग छोटा सा करते हैं, समझते हैं, टू फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट
ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का, जो भी लाइन है, अभी जो लाइन है हम लिख दे रहे हैं, क्या निकालना है उसका? स्लोप निकालना है और क्या निकालना है? वाई इंटरसेप्ट। मान लीजिए लाइन का इक्वेशन जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन का वाई एक्सिस से हमें क्या निकालना है भाई? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, उसका स्लोप भी निकालना है। तो जब भी वाई एक्सिस, अगर जो स्लोप की बात होगी या वाई इंटरसेप्ट की बात होगी, तो हमेशा इस लाइन को किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा? हमेशा इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा। मतलब एक साइड में वाई रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो वाई को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो दोस्त। क्या करेंगे इसमें? सो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। और इक्वेशन तो वो होता है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो वाई को कोफिशियंट से फ्री रखना है, तो बी से पूरे इक्वेशन को क्या कर दें? डिवाइड। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का ए अपॉन बी एक्स माइनस के सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो स्लोप एम इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त? माइनस ए अपॉन बी। और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? सी जो है तुम्हारा माइनस के सी अपॉन बी। वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या आ जाएगी? माइनस सी बाई बी। और स्लोप क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस के ए बाई बी आ जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे, स्लोप और जो तुम्हारा y इंटरसेप्ट है दोनों निकल के आ जाएंगे। कोई आपत्ति हो तो बताओ इसमें, ठीक है? डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या आ गया? स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। वाई इंटरसेप्ट की लेंथ निकालेंगे कैसे? माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या है? कोफिशियंट ऑफ वाई। चाहो तो ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। कम से कम फार्मूला याद करने की तरफ जाइएगा, क्यों इतना याद रखिएगा, प्रोसीजर उस प्रोसेस को समझ के रखना, उससे करना तुम्हारे लिए क्या होगा? आसान होगा। इस मेमोरी को सोचने में लगाओ, कचरा भर कर राज करके, एकदम कचरा भरने में नहीं, एनालिटिकल थिंकिंग में, एनालिसिस करने में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक डेवलप करने में, इन सब चीज़ों में यूज़ करो। वजह की चीज़ों को रट रट कर बर्डन नहीं बढ़ाना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब जो सही तरीके की स्टडी होती है उससे वो बहुत दूर है, और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे तुम पे प्रेशर क्रिएट करके जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा तुम गिव अप कर दोगे, लगेगा आप हम डिप्रेशन में आ गए हैं, अब हमसे कुछ ना हो पाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद लोग भी कहने लगेंगे, लल्ला तुमसे ना हो पाएगा, तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ लाली लल्ली लल्ली जो भी होगा सब बोला जाएगा। समझ में आया? ये लाइन का इक्वेशन समझ में आया? कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? कभी कभी दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट पूछा जाता है कि दोनों एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है ये बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है, तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। जैसे कि नॉर्मल सा इक्वेशन देता हूँ, आप समझिए कैसे। एक इक्वेशन हम क्वेश्चन समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमने आपको दिया, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू, मान लो जैसे हमने कह दिया 10 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों की लेंथ निकालो। आप केवल वाई की नहीं पूछ रहा है, दोनों की पूछ रहा है। तो अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट बताता था। तो क्या करना है? राइट साइड में अपने को वन बनाना है, राइट साइड में वन बनाना है, तो राइट साइड में जो भी है उसी से पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 10 है तो 10 से ही पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया जाए दोस्त? डिवाइड कर देंगे। तो ये 2x वाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस के 5y वाई क्या हो जाएगा दोस्त? 10। 10 बाई 10 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या ये x बाई 5 आ जाएगा? y वाई क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू, तो x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई? 5। y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2। x एक्सिस के जो नीचे है वो x इंटरसेप्ट की लेंथ है, y एक्सिस के जो नीचे है वो y इंटरसेप्ट की लेंथ है। क्या यहाँ तक मैं समझा पाया इस बात को? इसमें किसी को आपत्ति? ये पॉजिटिव ही हो हमेशा जरूरी नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, और ये हमेशा नंबर्स को डिवाइड कर दें ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, हटाएं से जरा समझिए। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया आपको एक ऐसा, ऐसे समझिए। अब यहाँ देखो, दोनों के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है दोस्त? ये समझना, एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट। एक्स पे ज्यादा काट रहा है ना, वाई पे
कम काट रहा है, टू काट रहा है, तो ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कह दिया है कि इक्वेशन ऐसे है, समझ की है। जैसे हमने लिख दिया 3x माइनस के 5y इक्वल टू में है, मान लीजिए 12, 3x माइनस के 5y इक्वल टू 12 दिया। अब इसका इक्वेशन हमने कहा ड्रॉ करने के लिए, या y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, तो आप कैसे निकालिएगा, राइट साइड में क्या बनाना है अपने को, 1, तो किससे डिवाइड करिएगा, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बाई 12 माइनस 5y बाई व्हाट 12 इक्वल टू में क्या हो गया, 1। अब इसको x y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ x y तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 5 को नीचे भेजोगे तो क्या होगा, ये 12y5 हो जाएगा। समझ में आया ना बात, ये x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई, 4, y इंटरसेप्ट की लेंथ यहाँ पॉजिटिव बनाना है इसको, तो यहाँ प्लस लिखिएगा, y अपॉन यहाँ क्या लिखना, माइनस के 12y5 इक्वल टू क्या लिखना दोस्त, 1। तो x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई, 4, y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस के 12y, y नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव, अब तो लाइन कैसे जाएगी दोस्त, ये वाली लाइन होगी, x वाला क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, लेकिन y की क्या हो गई वैल्यू दोस्त, नेगेटिव, लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब बात क्लियर हो रही है हमारी, कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया तो हो ही गया है आपको, कहाँ क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, लाइन उसी हिसाब से अपना पास ऑन करा देना। देखो इन सब का इक्वेशन लिखते हुए ना, आप लाइन वगैरह कोऑर्डिनेट वगैरह ड्रॉ कर देंगे, टीचर इंप्रेस होता है, थोड़ा सा फीलिंग आती है कि बच्चे को समझ में आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, केवल फॉर्मूले से बच्चा काम नहीं चला रहा है, उसको ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर एकेडमिक लेवल पे आपको सारी चीज़ें देखकर दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, तब जाकर एक बेहतर इंप्रेशन बनेगा, है ना। चले दोस्त आगे बढ़े, फिर यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं। हटाएं, देखो इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन फॉर ए गिवन लाइन, फॉर ए व्हाट गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन फॉर ए व्हाट गिवन लाइन, एक दी हुई लाइन के लिए पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, समझो यहां एक लाइन है, मान लेते हैं हमारा लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, या तो इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, अदरवाइज कैसे दिया जाएगा, अदरवाइज दिया जा सकता है आपको कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिया जा सकता है, ऐसे तो दिया जाएगा, या तो इस फॉर्म में दिया जाएगा, या तो इस फॉर्म में दिया जाएगा, या तो तीसरा भी लिख दें, या तो तीसरा समझिए, या तो इस फॉर्म में दिया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, एक लाइन जो दिया है या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इसके हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, समझ लो। अगर इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन इसमें समझिए आप लोग क्या क्या हैं। अब देखिए जब इसके लिए लिखेंगे ना दोस्त, समझिए आप लोग, जब इसके लिए लिखेंगे ना कुछ नहीं करना होता, बस कांस्टेंट टर्म को हटा दो, तो यहां होगा इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू व्हाट जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब लैम्डा इसमें अननोन है, क्या है ये, एक नया वेरिएबल हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बताएंगे, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, किसी न किसी पॉइंट से वो क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी, जब वो किसी पॉइंट से पास हो रही होगी तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स के प्लेस पे रखेंगे, वाई के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की वैल्यू निकाल कर यहीं रख देंगे तो वही उसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई हमारी, कोई दिक्कत, कंडीशन दी होगी एक, ठीक। अब इसका लिखेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है कि डिफरेंट होता है दोस्त, बताओ जरा, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सेम होगा, तो y इक्वल टू यहाँ तक तो एम एक्स ही रहेगा, लेकिन यही c बदल जाएगा दोस्त, इसको क्या लिख लीजिएगा, लैम्डा, क्योंकि स्लोप तो सेम नहीं रहेगा ना, क्यों, जैसे मान लीजिए दो लाइन पैरेलल हैं, ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं,
यहां से जो स्लोप होगा क्या यही स्लोप ये भी होगा क्या? स्लोप तो दोनों का अलग अलग आएगा ना, मतलब सॉरी इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट तो दोनों का अलग अलग आएगा ना, लेकिन स्लोप क्या होगा? सेम आएगा, दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम आएगा, लेकिन वाई इंटरसेप्ट की लेंथ दोनों की क्या होगी? अलग अलग आएगी। तो इसके प्लेस पर अलग वैल्यू रख देना। अब ये किसी ने किसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, उस पॉइंट से इसको क्या करेंगे आप, सेटिस्फाई करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू उठा के रख देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ करना है। अब क्या लिखना, कुछ नहीं छेड़खाड़ करना है इसमें, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बस इक्वल टू में क्या लिख देना। अब ये लाइन कहीं ना कहीं से पास हो रही होगी, पास करा देना, लैम्डा की वैल्यू आएगी उठा के रख देना, वही लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन। इसका मतलब पैरेलल लाइन के इक्वेशन में एक्स वाई और एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज नहीं होते, बस एक कांस्टेंट टर्म जो हमारा होता है वही क्या होता है चेंज होता है, उसकी हम कंडीशन से वैल्यू निकाल के रख लेंगे। क्या ठीक है? ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं? समझे ना, ना आएगा लल्ला तुमसे ना हो पाएगा, आएगा। अरे ठीक ठीक, बताते हैं एक एग्जांपल समझते हैं, बहुतों को नहीं समझ में, हम बताते हैं। जैसे हमने कह दिया कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसका, एक लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना है जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के, इसके क्या है पैरेलल है, एंड पासेस थ्रू, किससे पास हो रही है, वो पास हो रही है मान लीजिए 1,2 से, किससे पास हो रही है भैया 1,2 से, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है और कहाँ से पास हो रही है 1,2 से। तो पहले तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, यही 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त। अब ये लाइन किससे पास हो रही है तो 1,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जहाँ x है वहाँ क्या रखने है अपने को 1, जहाँ y है अपने को वहाँ क्या रखना है 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 0, ये 2 प्लस 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या है 0, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, माइनस के 8। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया पहला लाइन का इक्वेशन, कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू उठाकर उस इक्वेशन में रख देंगे, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यही तो करेंगे तरीका, यही तो है। ओके भैया, समझ में आ रहा हलवा? ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए समय बढ़ रहा है, समय अपनी गति से आगे। लिखना है क्या हर्ष, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। अब देखो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, कोई लाइन दी गई है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। गिवन लाइन क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर द गिवन लाइन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ नहीं, बहुत तेज हंसे यार तुम लोग, सब ठीक है ना? मतलब हाँ, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक, बोलो बोलो बोलो, शशांक शर्मा गए क्या, जल्दी बोलो क्या, फिर क्या हुआ अचानक? बोलो बोलो, कुछ तो बात है बेटा, जो बात दिल में हो बता भी देना। हाँ भाई, तुम लोग अकेले हंस लेते हो, मैं अकेले तन्हा रह जाता हूँ, कुछ तो बात है। चलो कोई बात नहीं, देखो दोस्त, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ समझो, एक लाइन है मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का लाइन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये समझो। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स और वाई के कोफिशियंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी क्या करेंगे,
एक्स और वाई के कोफिशियंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी क्या करेंगे दोस्त, चेंज करेंगे। एक्स और वाई के कोफिशियंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहां हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या लिखिएगा, जीरो। एक्स और वाई के कोफिशियंट को इंटरचेंज करेंगे और मिड के साइन को भी चेंज करेंगे, प्लस लैम्डा तो आएगा ही आएगा। अब प्लस लैम्डा आ गया तो एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन से इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। कंडीशन से वैल्यू किसकी निकल के आएगी दोस्त, कंडीशन से वैल्यू निकल के आएगी लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू उठाकर फिर से यहीं रख देंगे, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा यहां से। कोई आपत्ति हो तो बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा, कोई परेशानी नहीं किसी को, आगे बढ़े फिर। चलो ठीक है ना, और क्या क्या बचा था तुम्हारे यहाँ बताओ, मैं करा दूँ सब। एक तुम्हारा था बाइसेक्टर्स वाले का था लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन था, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन था, जो भी है सब बताओ तो सब करा देंगे। क्या हो गया? ठीक है, एक डिस्टेंस वाला फार्मूला था ना, दो पॉइंट की, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, या किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, ये सब भी तो था, और नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन भी होगा तुम लोगों के यहाँ। ठीक है दोस्त, एक एंगुलर बाइसेक्टर का होगा, एंगुलर बाइसेक्टर, हाँ, हेडिंग करो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, क्या हो गया? हाँ अच्छा, लिखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, किसी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, जीरो। पॉइंट पी है कोई, मान लेते हैं ओ से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, या पी से मान लो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये बी है मान लेते हैं, पी का कोऑर्डिनेट क्या है मान लेते हैं एक्स कॉमो वाई ही माने, या एक्स वन कॉमा वाई वन मान लेते हैं, क्या है एक्स वन कॉमा, इस पॉइंट पी का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। भाई डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, तुम्हारा पी बी है ये हमने लिख दिया है, या डिस्टेंस डी है मान लो, निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, कैसे निकालेंगे वही, ए एक्स वन, एक्स को किससे रिप्लेस करना है एक्स वन से, प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ क्या होगा दोस्त, एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला ये है, हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव, इसलिए मॉड में लिख देते हैं, तनाव मतलब इस बात के, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है। ठीक है दोस्त, ओके ये चीज़, अब इसमें आ जाओ, हाँ सब ले लेंगे बेटा, सब लेंगे, तेरे करण अर्जुन आएंगे बेटा, आएंगे, स्टार्ट किए सब बता देंगे अब। हाँ वंस मोर, अच्छा लगा आपको, ठीक, हाँ देखो एक्स वन वाई वन से डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, इस लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को इस लाइन में रख देना है, जहाँ एक्स है एक्स वन, जहाँ वाई है वाई वन, सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको रहने दिया, नीचे क्या है एक्स और वाई के जो कोफिशियंट है इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, दैट्स इट। अभी भी नहीं आए, बहुत बढ़िया, नया हो तो एग्जांपल देंगे, काटो हो जाएगा, चल जाएगा, बहुत बढ़िया, समझदार तो हो तुम लोग। अगर यही ओरिजिन से डिस्टेंस कह देते तो
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मैं यही बता देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जरा बताओ क्या होगा, अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा दोस्त, एक्स के प्लेस में जीरो रखेंगे, वाई के प्लेस में भी, क्योंकि वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो, तो सिर्फ ऊपर क्या आएगा, सी आएगा, और नीचे क्या आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कैसे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा दोस्त, केवल सी आएगा ना ऊपर, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों जीरो हो जाएंगे, तो वहां जीरो हो जाएगा, ये सी अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर। आइला बहुत बढ़िया। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का व्हाट डिस्टेंस, क्योंकि मुझे कहानी याद आ गई, बताएंगे आपको, पहले ये समझिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बहुत मज़ेदार चीज़ है, फिलहाल तो ये समझो, ये अच्छी चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब देखो तो, हाँ क्या बेटा, कुछ बोले क्या नेहित, कुछ बोला क्या, बोलो नेहित क्या, अच्छा अच्छा हम बता रहे हैं दोस्त, आ जाओ देखो ठीक देखो सिचुएशन यहाँ दो बनेंगी दोस्त, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। देखो मेरे शेरों और शेरनियों, देखो आ जाओ दोस्त ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या है, एक ही साइड या एक ही क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, या ओरिजिन की एक ही साइड है, एक ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या है, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों ओरिजिन के एक ही साइड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती तो क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं होता, क्या क्या होता गधे, जीरो होगा। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम बताई जाती है, हमेशा शॉर्टेस्ट बताई जाती है, और कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बीच का, इसलिए किसकी बात हो रही है, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, किसकी हो रही है, कॉमन सेंस नहीं लगाते, कॉमन नहीं है, सेंस थोड़ा कम है इसलिए कॉमन नहीं हो पा रहा है, इंटरसेक्शन तेरा जीरो आ रहा है, चले फाइव आ रहा है। एक सिचुएशन हो सकता है कि दोनों लाइन क्या है, ओरिजिन की एक साइड इधर उधर, मतलब दोनों इधर, दो सिचुएशन हो सकती है दोस्त, दोनों की पहचान क्या है अभी हम बताएंगे, ये होगी ना सिचुएशन, बोलिएगा, पहली लाइन भी है दूसरी लाइन, ये है पहली लाइन, ये क्या है दूसरी लाइन, एक सिचुएशन ये है कि दोनों लाइन ओरिजिन के एक ही साइड है, दूसरी सिचुएशन ये है कि दोनों लाइन ओरिजिन के अपोजिट साइड है, मतलब एक इधर है तो दूसरा उधर। इस केस में क्या होगा ना दोस्त, अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस डी वन है पहली लाइन का, और दूसरी लाइन का डिस्टेंस कितना है दोस्त, डी टू है, तो दोनों लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा ना, जो डिस्टेंस आएगा दोनों लाइन के बीच का वो क्या होगा, डी टू माइनस डी वन होगा, डी टू माइनस क्या होगा डी वन, मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा ज्यादा में से कम को क्या कर देना है अपने को, माइनस कर देना, अगर सेम साइड है तो। सेम साइड का कैसे पहचान लगाएंगे कि सेम साइड है, सेम साइड की पहचान कैसे होगी दोस्त, कि जो डी वन डी टू आएगा ना, जो डी वन डी टू आएगा दोनों डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का साइन क्या होगा, सेम होगा, साइन क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे होंगे या तो दोनों नेगेटिव आ रहे होंगे, डिस्टेंस फार्मूला वही है लेकिन या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे होंगे या तो दोनों क्या है, इन शॉर्ट ये समझो कि जो दोनों के कांस्टेंट टर्म है ये सी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे
तब उसकी इसमें ये लगेगा, तभी सेम साइड आएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुई बात हमारी? चलिए ये चीज़ हो गया ये सब। लेकिन अगर ये अपोजिट साइड है तो अब डिस्टेंस कैसे निकालना चाहिए? दोनों के बीच में डिफरेंस लेना चाहिए कि दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना चाहिए? ये डी वन है मान लो, ये डी टू है, अब दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए कि सबट्रैक्ट करना चाहिए? दोस्त ऐड करना चाहिए। लेकिन ये कैसे पहचानोगे कि दोनों अपोजिट साइड हैं? एक का साइन पॉजिटिव है, एक का दूसरे का। समझ में आया कैसी बात? बात क्लियर हो रही कि नहीं हमारी? कैसे पहचानेंगे कि अपोजिट साइड में है? ये अपोजिट साइड के हैं, किससे? ओरिजिन से। लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि D1 और D2 दोनों के क्या होंगे? अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइंस होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, अपोजिट साइंस होंगे। ये समझ यहाँ तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी? क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर है? ठीक, समझ में आया? आया ना? ठीक, आगे बने। चल देखो, एंगल बाइसेक्टर की हम बात करेंगे या एंगुलर बाइसेक्टर जो है तुम्हारा उसकी इक्वेशंस की बात करेंगे, यही है ना? जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं या एंगुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशंस की हम बात कर लेते हैं एक बार। लिख लिया जाए? हाँ, एंगुलर बाइसेक्टर की बात करो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बाकी सब तो बकवास है। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं। दो लाइन है, दोनों लाइन का कोई क्या कर रहा है? लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। दोस्त मान लेते हैं ये है जा रहा है, एक लाइन वन है, दूसरी लाइन क्या है दोस्त? टू है। इनका बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? तो इसी का इक्वेशन अपने को निकालना है। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है मान लेते हैं, पहली लाइन का इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू क्या है दोस्त? जीरो है। दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है? ए एक्स टू या ए वन मान लेते हैं इसको, ए वन एक्स टू। एक्स वन क्यों लगा दिया भाई? एक्स तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ए वन बी वन प्लस सी वन है, यहाँ यहाँ ए टू है और यहाँ क्या है? बी टू है और क्या होगा दोस्त? सी टू इक्वल टू क्या है? जीरो। दोनों लाइन का इक्वेशन, इसका बाइसेक्टर कोई है? ये बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन अपने को लिखना है। तो ये बाइसेक्टर क्या हो सकता है? एक्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एंगल हमारा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। इक्वेशन में बता दे रहा हूँ, दोनों का कॉमन सा है, एकदम लिख लेना। क्या होगा इक्वेशन? ए एक्स वन, ये इक्वेशन की बात हो रही है एंगुलर बाइसेक्टर के, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन या ए एक्स वन, बार बार लिख दे रहा हूँ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन क्या होगा? रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस रूट में क्या होगा दोस्त? बी वन का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन क्या होगा? रूट में ए टू का स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्त? बी टू का स्क्वायर। पॉजिटिव साइन होने का मतलब एक्यूट है, एंगल कैसा होगा दोस्त? एक्यूट। नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल क्या हो एक्यूट तो क्या लगेंगे? प्लस साइन लेंगे। एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव। बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मोटा मोटा लाइन में आपको इतना सीखना था, इतना जानना था, इसके बाद सारे इक्वेशन आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। इसके बाद भी कहीं फंस रहा है तो अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा और देखना, चीज़ों को रिवाइज करना, सब आ जाएगा। तो मैं मानूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब कर लेंगे आप लोग रिवीजन के बाद, फिर धूमधाम से अपना करिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी सेंस रखना, और जो चीज़ बता दिए ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखना, सब बन जाएगा। ओके डन, ठीक है, यहाँ तक रखें फिर इसको। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिर।